व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विकेट राइडर। तो दिस इज़ माय सोसाइटी। तो ये जो है यहाँ पे जीरकपुर का फ्लाईओवर है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है चंडीगढ़ से। अभी सारी चीज़ें लगभग खुल चुकी हैं, बस वही है कि आपको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में जाना है और कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो है आपका, कई कई स्टेट्स में था अभी कि कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, बट दैट इज़ ऑल ओवर नाउ, तो आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। सो दिस इज़ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। और हम लोग अभी हैं ट्रिब्यून चौक पे, इसको निकल गए हम दो। सिटी वाले भी बीएमटीसी वाले की तरह ही होते हैं। तो कहाँ जाना भाई, इतने घूम के जा रहा है। ओके, तो आपको राउंडल सारे ऐसे दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छी रोड रहती है। तभी मैं मिस करता हूँ चंडीगढ़ को जब भी बैंगलोर में रहता हूँ, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रोड, दी बेस्ट रोड्स हैं यहाँ पे। जो भी पूरे चंडीगढ़ में कहीं भी चले जाओ, तो ये देखो भाई कितना अच्छा लिखा हुआ है, मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो हजार, दया धर्म दिल में नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो बस यही चीज़ समझ में आना चाहिए, मीनिंग इस चीज़ का। और बाकी बढ़ते रहो आगे जैसे भी हो। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा सा पेट्रोल फुल करा लिया, क्योंकि आगे मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप पड़ेगा। तो भाई ये देखो, यहाँ से पूरा क्लाउड शुरू हो गया है, अभी हम लोग बादलों के अंदर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड टर्न्स हो सकते हैं, तो काफ़ी हाइट पे ये जगह। ओए होए 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 होए, क्या फील है भाई, ये देखो पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, मतलब आगे रास्ता दिख भी नहीं रहा है। तो इधर थोड़ा सा स्लो चलाना, वैसे तो विजिबिलिटी है उतना ज़्यादा, क्योंकि क्लाउड के साथ में जब वो फॉग सा हो जाता है ना, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये जो एरिया है, हम लोग पहुँच चुके हैं बिलासपुर, और बिलासपुर से आपका मनाली पड़ता है 175 किलोमीटर। यहाँ से हाँ मंडी सिटी, मनाली अच्छा कौन सा सही पढ़ना है, यहाँ से है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। जा भाई निकल जाके, उधर से पूरा पहाड़ी, अपन लोगों ने शायद उधर पहुंचना है, पता है 99 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था थोड़ा टाइम पहले, और अभी सीधा नीचे उतरेंगे इस रिज से, देन उसके बाद एक पहाड़ी और। अमेजिंग मैन, अबे ऑटो भी आ रखा है सीरियसली, इधर रोक सकता हूँ। देख लो पाइन वुड्स शुरू हो गया है, और हल्का हल्का ठंडा भी हो गया है।
तो पूरा भीड़ यहाँ पे पहाड़ी वाला घास चरने में लगा हुआ है। क्यूट लग रहा है। पहाड़ी जानवर कोई सा भी देख लो अलग दिखता है। भी बड़ा माउंटेन था ये वाला। तो हम लोग जो हैं ये वाली सारी जो पहाड़ियाँ इस साइड में पड़ रही हैं वो सारी क्रॉस करके हैं, और देन उसके बाद हम लोगों ने ले लिया था लेफ्ट। तो और उधर बीच साइड से ही ये वाली सारी पहाड़ियाँ दिख रही थी जहाँ पे वो पूरा स्नो से कवर्ड है। तो यहाँ से साथ ही साथ में नदी चल रही है और पहाड़ी भी चल रही है। तो ये जो रास्ता है मनाली का, एक्चुअली आपका इस साइड में रिवर है, इधर पे आपका रास्ता है और इधर साइड में आपका पूरा पहाड़ी है। तो जगह काफ़ी अच्छी है। अभी आगे जाके देखते हैं कि मेरे को लोकेशन कैसा मिलता है होटल का, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे देखो आप, सामने जो पहाड़ी दिख रही है पूरा फुल कवर्ड है पूरा स्नो से। तो इसे कहते हैं भाई व्यू, जस्ट एंजॉय द सीन। तो बाइक का तो नहीं लगता है, यही फायदा है। थोड़ा सा यहाँ पे धूप आ गया है बट कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि बर्फ इतना आसपास गिरा हुआ है और ठंडा हो चुका है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ पे आपका पाइन ट्रीज और रिवर जाता हुआ यहाँ से। सही लग रहा है यार। तो यहाँ से हम लोगों का जो होटल है थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है एंड इट्स फेसिंग दिस साइड। आप व्यू देख सकते हो क्या मस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या खतरनाक व्यू है यार। लेफ्ट ये वाला, किधर पे लगानी है? ओके, सो वी हैव रीच्ड सन पार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। और जो आपका व्यू है यहाँ से इस तरीके का है, और जो मैंने प्रेफरेंस दिया था कि बालकनी साइड का चाहिए मेरे को, जहाँ से मेरे को उस पहाड़ी का व्यू दिखे, और कुछ इस तरीके का दिख जाएगा आपको रूम। इट्स रियली ब्यूटीफुल मैन, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा होगा। और यहाँ से आपको बालकनी से व्यू आएगा, तो आपको थोड़ा सा बालकनी का व्यू भी दिखा देते हैं। यू कैन सी अमेजिंग। और यहाँ पे नीचे पे पार्किंग है। I'll suggest you, if you are coming to Manali, just stay in this place. और बालकनी में आप देख सकते हो यहाँ पे सीट्स लगा हुआ है, थोड़ा सा लाइट लगा हुआ है, रात में आराम से बैठ सकते हो आप अगर ठंड झेल सकते हो तो। और सामने से आपको दिखेगा पूरा पहाड़ का व्यू, पूरा स्नो से कवर्ड है। अमेजिंग।